उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के विधानसभा चुनाव में सियासत के अलग रंग ढंग देखने को मिल रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कुंदरकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर ने पहले तो टोपी पहनी, अब उनकी जीत के लिए मुस्लिमों को कसम खिलाई जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए चुनावी मंच पर कसम खिलाकर वादा लिया जा रहा है कि वह उन्हीं को वोट करेंगी। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मंच से मुस्लिमों को खुदा की कसम खिलाई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि वासित अली ने लोगों से कहा, न दूरी है न खाई है, ठाकुर रामवीर हमारा भाई है, अपने भाई को जिताने के लिए कसम खाई है। वीडियो में वासित अली कह रहे हैं, कसम खुदा की खाते हैं, रामवीर को जिताएंगे, लोग उनके पीछे यही आवाज लगाते हैं। बता दें, यूपी में 9 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। बीजेपी और सपा दोनों ने इस चुनाव को 2023 का सेमीफाइनल मान लिया है। ऐसे में जीत के लिए प्रत्याशी कोई भी पैंतरा अपनाने से पीछे नहीं हट रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।